हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AUS वर्सेज ENG, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में जो है ये थर्ड T20 का मैच होगा। ओल्ड ट्रेंटफोर्ड जो है ये मैनचेस्टर के वेन्यू पे शाम को 7 बजे से जो है मैच स्टार्ट होगा 15 सितंबर को। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, काफी इंटरेस्टिंग जो है ये सीरीज जा रही है। लास्ट मैच में हमने बहुत ही अच्छा जो है विन किया है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताएंगे, आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के साथ साथ फुल प्लेयर के जो है स्टैट्स आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। गाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है मेरे भाई, आप टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो है फाइनल टीम देखने के लिए मिलती है, कोई अपडेट आती है तो वो आपको बताई जाती है, टीम न्यूज मिलती है, कैप्टन वाइस कैप्टन की च्वाइस आपको मिलती है। टेलीग्राम चैनल मेरे भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, आप जरूर से जो है ज्वाइन करिएगा। वेन्यू के बारे में बात करते हैं। देखो, जो मैनचेस्टर की वेन्यू है ना, ये वेन्यू जो है काफी अच्छी है, बैटिंग के लिए जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। स्पिनर्स को यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलते हुए देखा गया है। लास्ट का अगर आप इनिंग्स देखोगे 198 बना है, 154 बना है, 190 बना है, 195 बना है, तो अच्छे खासे रन बन रहे हैं। अगर आप सेकेंड इनिंग में देखोगे तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कम रन बने हैं, तो ये भी चीज ध्यान में रखना कि भाई सेकेंड इनिंग में बहुत ज्यादा रन नहीं बनते लेकिन फर्स्ट इनिंग में अच्छे रन बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट के 4 मैचेस में 20 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए हैं और 26 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले हैं, तो कंपेयर टू फास्ट बॉलर यहां पर स्पिनर्स को थोड़े से ज्यादा विकेट्स मिले हैं। एवरेज स्कोर 160 से 180 के बीच में रहने वाला है, 198 यहां पर हाईएस्ट स्कोर है और 103 रन यहां पर जो है लोएस्ट स्कोर है। वेन्यू पर टोटल मैचेस की अगर बात की जाए तो इस वेन्यू पर अगर आप देखेंगे टोटल जो है 9 मैचेस हुए हैं, 3 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 6 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 150 रन से, सॉरी एवरेज स्कोर तो आपको यहां पर बताया है, बेलो स्कोर 150 से 2 बार बना है, 150 से 170 रन के बीच में 3 बार यहां पर स्कोर बना है और यहां पर अगर आप देखेंगे 190 से ऊपर 4 मैचेस में स्कोर बना है। तो ये इस वेन्यू की डिटेल थी, काफी शानदार जो है वेन्यू है। यहां पर आप वेन्यू का जो है फोटो भी देख सकते हैं, पिच रिपोर्ट की पूरी डीपली आपको जो है यहां पर जानकारी दी गई। अब हम बात करते हैं वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेले गए हैं उसके बारे में। तो गाइज अगर आप देखेंगे यहां पर तो फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट जो है फास्ट बॉलर को 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में जो है 6 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर को, फर्स्ट इनिंग में जो है 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में यहां पर 5 विकेट मिले हैं। इस मैच में फास्ट बॉलर को सिर्फ 1 विकेट मिला है और इस मैच में अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड इनिंग में दोनों इनिंग में 2-2 विकेट मिले हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो किसको कितने विकेट मिले हैं। इस मैच में स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट मिले हैं लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे 7 विकेट मिले हैं स्पिनर को, और इस मैच में अगर आप देखेंगे 11 विकेट जो है स्पिनर को मिले हैं और इस मैच में 5 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले हैं। ये रिसेंट में जो है मैचेस नहीं खेले गए हैं, 2023 में एक मैच खेला गया है, 2021 में, 2020 में और ये 2020 के मैचेस हैं। तो मैचेस थोड़े से अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 1 साल जो है पुराने मैचेस हैं इस वेन्यू के। अब हम बात करते हैं यहां पर जो है वेन्यू पर जो है वेन्यू पर किस बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट के 4 मैचेस में अगर आप देखेंगे राइट आर्म फास्ट को 6 विकेट, 11 विकेट राइट आर्म फास्ट मीडियम को, और अगर आप देखेंगे राइट आर्म मीडियम को 1 भी विकेट नहीं मिला है, लेफ्ट आर्म को 3 विकेट मिला है, जबकि अगर आप लेग ब्रेक बॉलर को देखेंगे भाई 16 विकेट नहीं मिले हैं, चाइना मैन को भी यहां पर विकेट नहीं मिला है, और अगर आप ऑर्थोडॉक्स बॉलर को देखेंगे 3 विकेट मिला है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को भाई 6 विकेट मिला है। तो ये इस वेन्यू के जो है विकेट्स का जो है सिनेरियो है। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड की। तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे टोटल जो है 24 T20 मैचेस हुए हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यहां पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैचेस हुए हैं जिसमें 12 बार इंग्लैंड की टीम ने विन किया है और 12 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विन किया है। तो दोनों ही टीम ऑलमोस्ट हेड टू हेड में इक्वल है और दोनों ही टीम काफी अच्छी जो है एक दूसरे को टक्कर देती है। अगर आईसीसी रैंकिंग में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड पोजीशन पे है और इंग्लैंड की टीम अगर आप देखेंगे तो भाई 4th पोजीशन पे है। तो आईसीसी रैंकिंग में थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलता है। दोनों ही टीम के लास्ट 5 मैचेस की आप यहाँ पर जो है विनिंग स्ट्रीक भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट के 4 मैचेस बैक टू बैक जो है विन करने के बाद लास्ट वाला मैच हार के आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लैंड टीम की जो है प्लेइंग 11। इंग्लैंड टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, फिलिप शॉर्ट के साथ में जो है विल जैक्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वर्डन पे जॉर्डन पॉक्स है, उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन है, जैक बैथल है, जिमी ओबरटन है, सैम करन है, बी क्रीज है, आदिल रशीद है, साकिब महमूद है और आर टोपले है। तो ये इंग्लैंड टीम की जो है प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको प्लेयर रोल भी यहां पर लिखा हुआ दिखेगा, तो प्लेयर रोल भी आप एक एक प्लेयर का देख सकते हैं।
अब हम प्लेयर के स्टैट्स की तरफ बात करते हैं। देखो अगर गाइज आप बात करोगे फिलिप शॉट की, काफी अच्छा तगड़ा पावर हीटर बैटर है, लास्ट मैच में 39 रन किया, उसके पहले 20 रन, और अगर आप देखोगे वेन्यू पर तो वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हेड टू हेड में 3 मैचेस खेला है जिसमें डिसेंट है भाई, 32 का एवरेज अच्छा माना जाएगा, T20 ओवरऑल कैरियर में 35 का एवरेज जो कि काफी अच्छा है, सिलेक्शन 88% है, बंदा कमाल करता हुआ आपको दिख सकता है, और इन्होंने तीनों मैच जो है सेकंड इनिंग में ही जो है खेले हुए हैं हेड टू हेड में। विल जैक्स की बात करें, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं विल जैक्स, और भाई अगर मैं बात करूं ये बॉलिंग करा दे तो ट्रम्प कार्ड का प्लेयर बनेगा, मैच का हीरो बन सकता है, सिर्फ 36% सिलेक्शन है, अपनी टीम में आपको जो है जगह देनी चाहिए। इसके अलावा आते हैं जॉर्डन कॉक्स, इग्नोर करना, लियान लिविंगस्टोन भाई दोनों मैचेस में कमाल कर रखा है, अगर आप देखेंगे पहले मैच में जो है 37 रन प्लस 3 विकेट, दूसरे मैच में 87 रन प्लस 2 विकेट, हेड टू हेड में रिकॉर्ड ऑसम है और 96% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में हमने इनको वाइस कैप्टन किया था, इन्होंने हमें जो है बहुत जबरदस्त जो है विन करवाया था। जैक बैथल, बैथल भी भाई अच्छा कर रहा है, अगर आप देखेंगे पहले मैच में काफी अच्छी 3 ओवर या 4 ओवर डाले थे, लास्ट मैच में 44 रन किया, ग्रैंडी के लिए प्लेयर जो है अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ ओवरटन सिर्फ 4% सिलेक्शन है, ग्रैंडी की टीम में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में मत लेके जाना इन दोनों को, आप जो है इग्नोर करके स्मॉल लीग में अपनी टीम जो है क्रिएट करना। यहाँ पर सैम करन एक वन ऑफ द बेस्ट आपको ऑप्शन मिलती है जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस रहते हैं, और अगर आप हेड टू हेड में रिकॉर्ड देखोगे 4 मैचेस में 29 रन है प्लस 7 विकेट, ये है कि भाई दोनों मैचेस में एक एक विकेट मिला है, 74% सिलेक्शन है, सीवीएसी के लिए अभी भी जो है बेस्ट ऑप्शन आपको यही मिलता है। बी क्रिस लास्ट मैच में 2 विकेट इनको मिला, लास्ट मैच खेले थे, 44% सिलेक्शन है, अच्छी सिलेक्शन है। आदिल रशीद किसी भी वेन्यू पर भाई ये बंदा विकेट निकाल लेता है, और इस वेन्यू पर तो भाई स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अच्छा जो है इसका रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, हेड टू हेड में भी जो है अच्छा रिकॉर्ड है, और वेन्यू पर भी जो है इसका अच्छा रिकॉर्ड है, तो भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं, सिर्फ 69% सिलेक्शन है, लेकिन आदिल रशीद मैच के जो है हीरो भी हो सकते हैं, ग्रैंडी की टीम में सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो। साकिब महमूद लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है जो है, यहां पर रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे सिर्फ 1 मैच में विकेट मिला है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 14% मात्र सिलेक्शन है, लास्ट मैच में मैं लेके गया था इन्होंने माइनस करवाया था। अगर हम बात करें यहाँ पर आर टोपले की, तो आर टोपले ने लास्ट मैच में भाई पूरे ओवर डाले थे, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो काफी पुअर फॉर्म से जो है चल रहे हैं, और बहुत बढ़िया सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ 6% सिलेक्शन है, लेकिन ये बंदा ग्रैंड लीग में काम आएगा मेरे भाई, पहले मैच में मैंने इसको लिया था इसीलिए कि ये काम आएगा, डिफरेंशियल पिक रहता है और बढ़िया ऑप्शन है, आप ले सकते हो। ये इनके बेंच पे प्लेयर्स हैं, इसमें अगर मैं बात करूं कोई खेलने के चांसेस हैं तो भाई डैन मूसली के खेलने के चांसेस हैं, या फिर टीम चाहे तो जोफ्रा आर्चर को खिला सकती है, हाई चांसेस डैन मूसली के हैं। पावर प्लेयर डेथ में गेंदबाजी कौन कराएगा, तो इंग्लैंड टीम की तरफ से आपको बता दें आर टोपले, साकिब महमूद, बी क्रिस और सैम करन, ये प्लेयर जो है आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। डेथ में अगर मैं बात करूं लियान लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, बी क्रिस, सैम करन और साकिब महमूद, ये प्लेयर आपको जो है डेथ में गेंदबाजी करते हुए जो है नजर आएंगे, इसमें जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं, फिलिप शॉट, फिलिप शॉट को जो है सीन एबॉट ने 3 बॉलें करी हैं, 4 रन दिया है, 1 बार आउट किया है, एडम जंपा ने 1 बॉल किया है और उसमें आउट किया है, मैथ्यू शॉट ने 1 बॉल किया है उसमें आउट किया है, जॉर्डन कॉक्स को सीन एबॉट ने 2 बॉलें करी हैं, 1 बार आउट किया है, विल जैक्स को सीन एबॉट ने 1 बॉल करी है आउट किया है, मार्कस स्टोनिस ने 2 बॉलें करी है 1 रन दिया है आउट किया है, हेजलवुड ने भाई 3 बॉलें करी है 2 रन दिया है 1 बार आउट किया है, लियान लिविंगस्टोन, जेस हेजलवुड ने 4 बॉलें करी है 2 रन देके 1 बार आउट किया है, मैथ्यू शॉट ने इनको 8 बॉलें दी है 15 रन दिया 8 बोले की है 15 रन देके 1 बार आउट किया है, तो ये प्लेयर्स बैटल था। अब हम बात करते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 की, ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, मैथ्यू शॉट के साथ में जो है आपको टार्विस हेड जो है ओपन करते हुए मिलेंगे, वन डाउन पे मिशेल मार्श है, उसके बाद जोस इनिंग्स है, मार्कस स्टोनिस है, टीम डेविड है, कैमरून ग्रीन है, एरोन हार्डी है, सीन एबॉट है, एडम जंपा है और यहां पे जोस हेजलवुड है, तो लास्ट मैच में इनकी टीम में जो है काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिले थे जिसमें कूपर कॉलोनी वगैरह भी जो है खेल रहे थे, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कूपर कॉलोनी आपको जो है खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर जो है टीम जोस हेजलवुड के साथ में यहां पर जो है जा सकती है। प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर आप देखोगे मैथ्यू शॉट लास्ट मैच में भाई काफी कमाल किया, 5 विकेट लेकर गए, 28 रन भी किया, पहले मैच में 41 रन किया था, बढ़िया ऑप्शन है, 91% सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे लोग इनको सीबीसी भी करके लेके आएंगे बिग बैश में, तो भाई ये मैच के हीरो ही रहते हैं। हेड टू हेड में जो है काफी अच्छा रिकॉर्ड इनका हो गया है और वेन्यू पे रिकॉर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द प्लेयर का, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, हेड टू हेड के रिकॉर्ड देख सकते हो, T20 करियर के स्टैट्स देख सकते हो, सिलेक्शन देख सकते हो, फर्स्ट इनिंग में क्या किया है, सेकंड इनिंग में क्या किया है, वो भी आप यहां पर जो है देख सकते हैं।
टार्विसहेड और मैथ्यू शॉट दोनों अच्छी ऑप्शन रहने वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। आउट ऑफ फॉर्म जो है मिशेल मार्श चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बंदा बॉलिंग कर लेता है लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 6% सिलेक्शन है, लेकिन ये प्लेयर ग्रैंड लीग में भाई ट्राई करने लायक है क्योंकि भाई 30-35 रन तो इजिली ये कर लेगा। जोस इनिंग्स की बात की जाए, लास्ट मैच 42 रन 37 रन, काफी सारे लोग इनको ड्रॉप करके आए थे, हमने अपनी टीम में लिया था, 85% अब सिलेक्शन हो गया है, बढ़िया ऑप्शन है अपने टीम में आपको रखना चाहिए। मार्कस स्टोनिस भाई लास्ट मैच में जो है इनकी पिटाई हो गई थी काफी अच्छी, माइनस में पॉइंट्स दिए थे, सिर्फ 2 रन किए थे, 0 विकेट, पहले मैच में 10 रन प्लस 1 विकेट, डिसेंट ऑप्शन रहते हैं, टॉप ऑर्डर फेल होगा उस कंडीशन में अच्छी ऑप्शन है। टीम डेविड इग्नोर करके जाना मेरे भाई, कुछ खास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कैमरून ग्रीन आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिलती है जो कि आपको पूरे ओवर्स जो है 4 ओवर भी इवन कभी कभी करते हुए आपको दिख सकते हैं। लास्ट मैच 13 रन प्लस 0 विकेट, पहले मैच 13 रन प्लस 1 विकेट, हेड टू हेड के 3 मैचेस में 27 रन है 1 विकेट है, 44% सिलेक्शन है, बंदा बढ़िया है, कमाल का है। एरोन हार्डी बैट बॉल बंदा दोनों करता है, ध्यान रखिएगा रिसेंट फॉर्म में देख सकते हो विकेट्स निकाले हुए हैं, सिर्फ 15% सिलेक्शन है, टॉप ऑर्डर को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जो सिनिंग्स टार्विसहेड मिशेल मार्श को नहीं लेके जा रहे हो उस कंडीशन में एरोन हार्डी को लेके जाना, कुछ रन करके आपको दे सकता है प्लस जो है आपको बॉलिंग भी करके ये दे सकता है। इसके अलावा सीन अबाउट एडम जाम्पा दोनों जो है बढ़िया ऑप्शन देने वाले हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, मैं बोलूंगा आपको दोनों को अपने टीम में लेके जाओ, दोनों अच्छी ऑप्शन है। जोस हेजलवुड लास्ट मैच नहीं खेले थे, इस मैच में अगर खेलते हैं तो जरूर से ट्राई करेगा, अभी सिर्फ 10% इनका सिलेक्शन है। बेंच पे अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं तो इसमें जो है आपको जैक फ्रेजर देखने के लिए मिल देंगे जो कि लास्ट मैच खेले थे, कूपर कॉलोनी है जो कि लास्ट मैच खेले थे और बैटलेट है, तो भाई ये 3 प्लेयर आपको जो है इनके बेंच पे दिखते हैं जो कि इसमें जैक फ्रेजर और कूपर कॉलोनी लास्ट मैच में ये दोनों प्लेयर खेले थे और जैक फ्रेजर ने भाई कमाल मचाया था, कूपर कॉलोनी भी डिसेंट ऑप्शन रहते हैं। पावर प्लेयर डेथ में अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो इसमें आपको जो है एरोन हार्डी, जोस हेजलवुड और सीन अबॉट ये 3 प्लेयर आपको पावर प्ले में मिलेंगे। डेथ में अगर मैं बात करूं मैथ्यू शॉट, सीन अबॉट, एडम जाम्पा, जोस हेजलवुड, ये 4 प्लेयर आपको डेथ में जो है गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल की, तो प्लेयर्स बैटल में आप देख लो यहां पर जो है टार्विसहेड को बी क्रीज ने 1 बॉल करी है जिसमें आउट किया है, साकिब महमूद ने 16 बॉलें करी हैं, 34 रन दिया है और 1 बार आउट किया है, मैथ्यू शॉट को लिविंग स्टोन ने 2 बॉलें करी है, 1 बार आउट किया है, आदिल रशीद ने 7 बॉलें करी है, 5 रन देके 1 बार आउट किया है, मिशेल मार्श को आर्टोपले ने 18 बॉलें करी है, 30 रन देके 1 बार आउट किया है, आदिल रशीद ने 26 बॉलें करी है, 32 रन देके 2 बार आउट किया है, जोस इंग्लिश को इनको जो है सैम करन ने 3 बॉलें करी हैं और 1 बार जो है सॉरी 1 रन दिया है और 2 बार इनको आउट किया हुआ है। टेलीग्राम का चैनल मेरे भाई जरूर से ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम अपने ड्रीम इलेवन की यहां पर टीम देखते हैं। गाइज अगर मैं ड्रीम इलेवन की टीम की बात करूं तो यहां पर आपको मैं अपनी टीम दिखा देता हूं जिसमें अगर आप देखेंगे 5 प्लेयर मैंने इंग्लैंड के और 6 प्लेयर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। फिलिप शॉर्ट है हमारी टीम में, जोस इंग्लिस है, टार्विसहेड है हमारी टीम में, विल जैक्स को इस टीम में मैंने लिया हुआ है, मार्कस स्टोनिस है, लियाम लिविंग स्टोन को भी ले रखा है, सैम करन आ गए हैं हमारी टीम में, मैथ्यू शॉर्ट है, एडम जाम्पा हमारी टीम में आ गए हैं, आदिल रशीद है और सीन अबॉट है। तो जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं सभी को हमने यहाँ पे अपनी टीम में लिया है। डिफरेंशियल चॉइस में आपको सिर्फ यहाँ पे विल जैक्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन है, इनकी जगह पे आप कैमरून ग्रीन को भी जो है ट्राई कर सकते हो, वो भी जो है बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने लिविंग स्टोन को जो है यहाँ पर कैप्टनसी दी है और मैथ्यू शॉट को वाइस कैप्टनसी दी है, आप सैम करन के भी साथ में जा सकते हो। अगर मैं बात करूं ग्रैंड लीग पिक्स की तो इंग्लैंड की तरफ से जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स और साकिब महमूद ये 3 प्लेयर ग्रैंड लीग के रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोनिस, कैमरून ग्रीन, जोस हेजलवुड ये 3 प्लेयर जो है बढ़िया ऑप्शन है जो कि आपको ग्रैंड लीग की टीम में सीबीसी जो है करनी चाहिए। अगर आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन जा रहे हो, लिविंग स्टोन, टार्विसहेड, मैथ्यू शॉट ये 3 आपको जो है सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ये T20 सीरीज जो है वीडियो इसका आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर से करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ऐसे ही चैनल को देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।